नमस्कार, शाला दर्पण पर फॉर्म 10 सभी कार्मिकों को अपडेट करना है, जिसके लिए जैसे ही हम फॉर्म 10 को अपडेट करते हैं और पहली व्यक्तिगत सूचना फिलअप करते हैं, तो यहाँ में फॉर्म 10 के पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कार्मिक की पे मैनेजर NICUID ये क्या है, ये हमें फिलअप करनी होती है। इसके लिए सभी कार्मिकों को अपनी पे मैनेजर की आईडी को ओपन करना है। मैनेजर की आईडी जब आप ओपन कर लें तो यहाँ एम्प्लॉई कॉर्नर दिखाई देगा, उसे लॉन्ग प्रेस कीजिए। सीधा क्लिक करेंगे तो कोई मेन्यूज ओपन नहीं होंगे, लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। इस प्रकार के नए ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, जहाँ मास्टर डाटा रिक्वेस्ट लिखा है इसे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ नए ऑप्शन आ जाते हैं, पर्सनल डिटेल्स अपडेट है इस पर क्लिक करें जो लास्ट में है। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर्सनल डिटेल्स अपडेट जहाँ लिखा है उसके नीचे NICUID आ चुकी है, उसके बाद नाम और डिजाइनेशन तीनों आ चुका है। तो ये आईडी जो है आप नोट कर लीजिएगा, और जो शाला दर्पण पर प्रत्येक कार्मिक को अपडेट करना है पे मैनेजर NICUID में फिल कर दीजिएगा। पे मैनेजर NICUID जानने का यह दूसरा तरीका है, जो पे मैनेजर और PD हेड वाले कार्मिक जो हैं जिनकी आईडी प्री पे मैनेजर पे है उन सभी के लिए है, जिनकी आईडी शो नहीं हो रही है वो इनको देख सकते हैं। और PD हेड वालों को तो सभी को इसी तरीके का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनकी आईडी जो है NICUID वहाँ पे मैनेजर पे नहीं दिखाएगा। इसके लिए आपको DDO लॉगिन की आईडी को ओपन करना है। DDO लॉगिन को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। पहली रो में जहाँ मास्टर लिखा है उस पर क्लिक करना है, तो नीचे एक नई टैब खुल जाएगी जहाँ एम्प्लॉय डिटेल लिखा है, एम्प्लॉय डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सभी कार्मिकों के नाम आ जाएंगे। जिस कार्मिक की NICUID आपको जाननी है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार नया इंटरफेस खुल जाएगा, और जहाँ NICUID लिखा है उसके आगे आईडी लिखी है। इस प्प्रकार आप जो है NICUID है कार्मिक की देख सकते हैं। यह तरीका सभी कार्मिकों के लिए जैसे बताया गया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहां बेल आइकन शो हो रही है उसको क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको भेजे जा सके। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें, और शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि रोज़ाना नई अपडेट मिल सकें।